मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विशाल शास्त्री। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास का 21वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा को शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु की ही रहती है। मूर्ति के दोनों गलों को दाहिने हाथ से स्पर्श कर उसमें हरि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा न करने से पहले जो स्वर्ण आदि धातु थी वह वैसी ही रहती है, उसमें देवता का वास नहीं होता। अतः हे राजन, अन्य देवताओं की मूर्ति में भी देवत्व लाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए। त्वदिष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्य, पुरुषोत्तम के बीज मंत्र से ही करनी चाहिए। मंत्र वेत्ता ब्राह्मण निरंतर प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा रखकर निम्न मंत्रों द्वारा हृदय में भी प्राण प्रतिष्ठा करें। इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, यह प्रतिमा पूजा के लिए देवत्व हो को प्राप्त हो, स्वाहा। इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र से हुए वेद संबंधी मूल मंत्र व अंग मंत्रों से प्रतिमा में सब जगह प्राण प्रतिष्ठा करें, अथवा नाम मंत्रों से चतुर्थी विभक्ति व अंत में स्वाहा लगाकर उन उन देवताओं को अनुस्मरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठित करें। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्री वत्स से चिन्हित हृदय वाले शांत नील कमल दल के समान कांति वाले त्रिभंग मनोहर आकृति वाले ऐसे श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश और काल का उच्चारण संकल्प करके नियम धारण करके मौन होकर पवित्र हो 16 उपचारों से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। आवाहन, हे देव देवेश, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, आप श्री राधिका सहित मेरे द्वारा दिए हुए पूजन को ग्रहण करें। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, ऐसा कहकर आवाहन करें। आसन, हे पुरुषोत्तम देव देवेश, अनेक प्रकार के रत्नों से जटित सुवर्ण से शोभित ऐसे आसन को ग्रहण करें, यह कहकर आसन समर्पण करें। पाद्य, मेरे द्वारा गंगाधिक सब तीर्थों से प्रार्थना करके लाया हुआ सुखदायक स्पर्श करने योग्य जल पाद्य पांव पखारने के लिए ग्रहण करें। अर्घ, हे हरि, गोपी काओ को आनंद देने के लिए गोपराज नंद के घर में उत्पन्न हुए आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। आचमन, हे ऋषिकेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, शुद्धि से लाए हुए तथा स्वर्ण कलश में रखे हुए गंगा जल से आप आचमन करें। पंचामृत, हे हरे, मेरे द्वारा लाए गए पंचामृत से राधा सहित जगत के नियंता हरि आपकी पूजा से मेरे कार्य सिद्ध हों। हे राधिका नंदन, हे राधिका नंददायक, गौ का दूध दही घी मधु और शक्कर इनमें युक्त पंचामृत ग्रहण करें, ऐसे कह पंचामृत से स्नान करावे। नमस्कार, हे नाथ योगेश्वर गिरिधारी यज्ञपति गोविंद, आपको नमस्कार है। पुनः स्नान, हे नंद नंदन, मेरे द्वारा दिए गए गंगा जल की भांति निर्मल नदी व तीर्थ का जल स्नान को ग्रहण करें। वस्त्र, हे देव, सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मेरे द्वारा निवेदित किए गए इन दो पीतांबरों को ग्रहण करें, ऐसे वस्त्र धारण कराने के बाद आचमन करावे। उत्तरीय वस्त्र यज्ञोपवित, हे दामोदर, आपको नमस्कार है। इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें और अंगूठा सहित यज्ञोपवित देवें। चंदन, हे सूरश्रेष्ठ, सुगंधि से पूरित मनोहर दिव्य चंदन आपके लिए विलेपन को है, इसे प्रीति से ग्रहण करें, ऐसा कह चंदन लगावें। अक्षत, हे पुरुषोत्तम, मेरे भक्ति से लाए केसर से रंगे हुए सुंदर अक्षत ग्रहण करें, ऐसा कह अक्षत दें।
पुष्प, हे प्रभु मेरे लाए हुए इन माल्यादि चमेली आदि के सुगंधित पुष्पों को ग्रहण करें, पुष्पों को समर्पित कर फिर अंग पूजा करें। नंद यशोदा के पुत्र केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले अनंत विष्णु के रूप को धारण करने वाले पदुम्न अनिरुद्ध नीलकंठ सकलास्त्र धक वाचस्पति केशव तथा सर्वात्मा इन नामों से पैर, टकना, जानु, जंघा, कटी, मेरु, नाभि, हृदय, कंठ, दोनों भुजाओं, मुख, नेत्र, शिर आदि स्वार्गों को पुष्प लेकर कर्म से चतुर्थंत नामों से विश्व रूप जगतपति की पूजा करें। इस प्रकार प्रति अंग की पूजा कर फिर चतुर्दंत केशवादि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। धूप दिव्य वनस्पतियों के रस गंध से युक्त सुगंध सब देवताओं को सूंघने योग्य इस धूप को आप ग्रहण करें, ऐसा कह धूप दें। दीप हे परम धाम, आप सब देवताओं के ज्योति स्वरूप हैं, तेजस्वियों के उत्तम तेज हैं, स्वयं प्रकाशमान परम धाम हैं। यह दीप आप ग्रहण करें, यह कहकर दीप जलावे। नैवेद्य हे देव, नैवेद्य ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करके मुझे इच्छित वर दीजिए तथा परलोक में परम गति प्रदान करके यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें। बीज में जल दें, फिर अंत में उत्तरापोषण आचमन दें। हे ऋषिकेश, सुवर्ण के कलश में लाए हुए गंगा जल से आचमन करो, यह कहकर आचमन दें। फल हे देव, ये फल मैंने आपको आपके आगे रखे हैं, अतः मुझे जन्म जन्मांतर में श्रेष्ठ फल मिले, ऐसा कह श्रीफल दें। करोद्धरण हे परमेश्वर, गंध कपूर युक्त कस्तूरी आदि से सुगंधित करोद्धरण हाथों की शुद्धि के को उपटन ग्रहण करो, ऐसे कह करोद्धरण दे। तांबुल हे देव, सुपाड़ी युक्त कपूर सहित भक्ति भाव से दिया मनोहर तांबुल ग्रहण करो, इस प्रकार तांबुल दें। दक्षिणा ब्रह्मा जी के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज, अनंत पुष्प, पुण्य के फलदाता स्वर्ण को ग्रहण करें और मुझे शांति दें, ऐसा कह दक्षिणा प्रदान करें। आरती हे शरद ऋतु के कमल तुल्य श्याम तीन जगह से टेढ़ी मनोहर आकृति वाले देवताओं के स्वामी श्री राधा कृष्ण की मैं आरती करता हूँ, ऐसा कह निराजन करें। प्रदक्षिणा हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे भक्तों पर कृपा करने वाले, मेरी प्रदक्षिणा स्वीकार करो, ऐसा कह प्रदक्षिणा प्रदान करें। मंत्र पुष्पांजलि हे नाथ, यज्ञेश्वर यज्ञ रूप यज्ञ के कारण श्री गोविंद को मेरा नमस्कार है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा कह मंत्र पुष्पांजलि दें। नमस्कार विश्वेश्वर विश्व रूप विश्व के उत्पन्न करने वाले विश्वपति गोविंद को नमस्कार है, ऐसा कह नमस्कार करें। क्षमापान फिर निम्न मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान से क्षमा मांगें। हीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु मे। नाम मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर नित्य तिलों से हवन करें। पुरुषोत्तम की प्रीति के लिए एवं संपूर्ण अर्थों के फल की सिद्धि के लिए वही नेभर तक अखंड दीप जलावें और निम्न मंत्र से यस स्मृताम च नाभोक्तया तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यून संपूर्णताम याति संदो वंदे तमच्युतम।
भगवान जनार्दन को नमस्कार करके पुनः मंत्र बोलकर जनार्दन भगवान से प्रार्थना करें। प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रच्छवेताध्वरेषु यत स्मराणे देव त्वदिष्णु संपूर्ण स्यादिति श्रुति। प्रमादवश जो पूजन में कमी रह गई हो सो सब परिपूर्ण हो, यह कहकर सुख से विचरें। इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म पाकर जो लोग पुरुषोत्तम मास के आने पर नवीन मेघ तुल्य श्याम वर्ण वाले राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को इस प्रकार भक्ति से नित्य प्रति वैष्णव ब्राह्मण को गुरु बनाकर पूजेगा, वह इस लोक में अमित सुख भोग कर अंत में बैकुंठ को जावेगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीता मैया की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।